फिर मिल से कह देती हूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा। क्यों क्यों नहीं हो पाएगा नंदिनी? तुम इतना डर क्यों रही हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हारी लाइंस करेक्ट करने के लिए। इनफैक्ट मैंने ना तुम्हारे लिए कुछ लिखा भी है। हाँ अब दिखाइए। अरे ये क्या है? ये ना देख पाने का फायदा है। मैं जो भी लिखता हूँ ना, वो मेरे अलावा और कोई नहीं पढ़ सकता। इसे ब्रेल कहते हैं, ना देख पाने वालों का पढ़ने लिखने का तरीका। अच्छा पढ़ के सुनाइए। मेरे दिन की शुरुआत हो तुम, मेरी रातों का चैन भी, मेरे ख्वाब हो तुम और उन्हें देखते नैन भी। मेरे अंधेरों में रोशनी की किरण हो तुम, मेरा पागलपन, मेरा प्यार हो तुम। ये मैं होम डेट को कैसे बोल सकती हूँ? अरे ये मैंने डैड की तरफ से माँ के लिए लिखा है। वो डैड चाहते थे कि वो कुछ पढ़े माँ के लिए, इसलिए। ओ अच्छा। वैसे मुसीबत जी मुझसे सच में नहीं होगा। मैं स्टेज के बारे में जब भी सोचती हूँ तो मुझे लगता है अगर मैं गिर गई तो, अगर मुझे जो बोलना है मैं वो भूल गई तो, और अगर सब लोग मुझ पर हंसने लगे तो। अरे अगर तुम गिरोगी तो मैं संभाल लूंगा, अगर तुम कुछ भूलोगी तो मैं याद दिला दूंगा, और अगर तुम पर कोई हंसेगा ना मैं उसे धूप। एनीवे तुम्हें पता है मेरे पास स्टेज फ्राइट को भगाने का मुझे ना एक तरीका पता है। क्या? उस इंसान का चेहरा अपने सामने इमेजिन करो जिसके साथ तुम सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हो, फिर देखना तुम्हारा कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ जाएगा। ट्राई करके देखो, अपनी आंखें बंद करो और इमेजिन करो। का चेहरा नजर आया? बटुक जी। बटुक? ये बटुक जी कौन है? वो विमला का बैल है ना। तो डिंगली जब भी दुखी होती है ना तो मैं बटुक जी को उसके सामने खड़ा कर देती हूँ, और उसका चेहरा देखकर जैसे डिंगली खुश हो जाती है ना, बस वैसा ही कॉन्फिडेंस आ रहा है मुझ में। अच्छा गुड। जब गाय बैलों के साथ इतनी खुश थी तो यहाँ क्यों आ गई मेरी जिंदगी बर्बाद करने? यू नो राजवी, कल हमारे बिजनेस पार्टनर से हमें नंदिनी और गुण को मिलवाना होगा, बट मुझे चिंता इस बात की हो रही है कि वो दोनों बात क्या करेंगे और कैसे करेंगे। ये क्या बात हुई विपुल? दोनों गांव की पली बड़ी हैं, लेकिन दे कैन होल्ड एन इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन। और जो गेस्ट्स उनकी इंग्लिश सुनकर उन्हें जज करेंगे वो उनकी प्रॉब्लम है, हमारी नहीं। मिल भले ही कुछ ना बोले लेकिन उनको भी तो टेंशन होगी ना कि कहीं मेरी पैदल इंग्लिश की वजह से उसकी बेइज्जती ना हो जाए। Oh,
सुवित आजा। मॉम हाँ बोलो। हैप्पी एनिवर्सरी। So pretty. Thank you. Happy anniversary, mom, dad. Love bands. विपुल, हमारे बच्चों को कब से लगने लगा कि हम रोमांटिक हैं? भाभी, it is so beautiful. Thank you. देखिए. Wow. Really beautiful. माँ. मॉम, मैं उठा लूंगा, आप जाओ। हाँ बोलो। माँ, माँ आपके और डैड के लिए मेरे पास एक बहुत ही स्पेशल तोहफा है। रियली? या ऑलराइट गाइस, मेरी वाइफ यानी नंदिनी पिछले कुछ दिनों से इंग्लिश क्लासेस ले रही। वैसे तो ये कहती है कि ये वो बिजनेस के लिए कर रही है, लेकिन सीक्रेट ये है कि वो माँ के फेस पे स्माइल देखना चाहती है, इसलिए वो कर रही है। और आज माँ और डैड की एनिवर्सरी पर उसने एक स्पीच तैयार की है जो वो उन्हें सुनाना चाहती है इंग्लिश में। क्या? रियली? एक हफ्ते में इतना कॉन्फिडेंस, इससे अच्छा एनिवर्सरी गिफ्ट हो ही नहीं सकता। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। क्या है सुबित? मॉम ने तो हमारे गिफ्ट के बारे में बस इतनी सी तारीफ की। हाँ, क्योंकि गलती उनकी नहीं है, गलती तुम्हारी है। भाभी की तरह तुम भी कोई गिफ्ट के लिए अच्छा आइडिया सोच लेती, लेकिन नहीं, तुम्हें तो सेल्फी लेने से फुर्सत ही नहीं। चलना चाहिए ना। सॉरी। अब कोई बात नहीं, मिल मैं एक मिनट में आती हूं। जरूर उस कागज पे ना अपनी इंग्लिश का भाषण लिख के आई होगी। पेपर किधर गया? ओके, लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज गिव इट अप फॉर माय डॉटर इन लॉ नंदिनी। कम ऑन नंदिनी, क्या हो गया? हम सब तुम्हारी इंग्लिश स्पीच के लिए वेट कर रहे हैं। कम ऑन। यस नंदिनी। बड़ी आई स्पीच देने वाली, अब दिखती हूं मैं क्या करती है तू। ओह गॉड, नंदिनी की स्पीच का टाइम हो गया है और मैं डायरी ले जाना भूल गया। हाउ केयरलेस कैन आई बी। ये लोग भी ना कुछ भी कहीं भी फेंकते।
तो मेरी ब्रेल का पेपर है। ये तो वही पेपर है जिसके नीचे नंदिनी ने अपनी स्पीच लिखी थी। ये यहाँ किसने फेंक दिया? ये यहाँ है तो नंदिनी स्पीच कैसे देगी? कानूड़ा, बिना पेपर के कैसे बोलूंगी मैं? उसी बच्ची होते तो कुछ भूल जाती तो बता देते, अब तो वो भी नहीं है यहाँ। नंदिनी घबराओ मत, जाओ। कम ऑन नंदिनी। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। आई टेक दिस अपॉर्चुनिटी। I take this opportunity. Damn it! और भी पेपर। I want to congratulation for very very special day. मैं मिल से कह देती हूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा। क्यों क्यों नहीं हो पाएगा? नंदिनी तुम इतना डर क्यों रही हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हारी लाइंस करेक्ट करने के लिए। हैप्पी एनिवर्सरी मिल एंड डेट। टुडे इज वेरी 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 स्पेशल हैप्पी डे। नंदिनी की स्पीच शुरू हो गई है और बहुत नर्वस लग रही है वो। कहाँ है ये पेपर? एक्सक्यूज मी, मेरे हाथ से ना एक पेपर गिर गया है, उसमें मेरी वाइफ की स्पीच लिखी हुई है। आई कांट फाइंड इट, कैन यू हेल्प मी? स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।